अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी इधर कभी उधर, कभी नरम कभी गरम। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, तो अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर बस बना रही हूँ मैं इवनिंग टी। तो सबसे पहले मैंने इशू के लिए मिल्क गर्म करके दे दिया है, इशू पी लेगी। और टी वहाँ पर बन रही है और आगे मैं यहाँ पर ये जो कथली वगैरह झूला बनाया था इसे मैं निकाल के रख दूंगी, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है थोड़ा सा बाहर। और अभी मैंने ये पहनी है ये वाली साड़ी जो कि ऑरेंज कलर है। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा ही ब्राइट सा लगता ना, है ना, ज़्यादा ही मतलब अजीब सा लगता है। बट ये पता है मैंने ये ना ऑनलाइन परचेस की थी और उस समय पता मैं मम्मी के यहाँ पर थी, रिटर्न नहीं कर सकती थी, तो इसी कारण ये रिटर्न नहीं कर सकी और मैं ये पहन लेती, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना बहुत सॉफ्ट है और मुझे लगता है जिसके लाइट वेट है और सॉफ्ट है इसी कारण मैं इसे पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर ईशु के पापा भी रेडी हो रहे हैं, ईशु को भी रेडी करना है, पर ईशु रेडी नहीं हो रही है। बस अभी मेरा बेडरूम पूरा मैंने समेट लिया है, जाने से पहले अच्छे से समेट कर रख दो ना तो अच्छा लगता है, तो बाहर से आओ ना अगर ऐसे ही गंदा पड़ा था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बैठकर चाय पी लूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और जो भी चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पर लटका दी है ईशु को बैग, और यहाँ पर बस मैं अपने हेयर बना लूँगी क्योंकि ऑयली हो चुके हैं ना, हेयर भी अच्छे से बन नहीं रहते और लेट हो गए थे इसी कारण मैं जल्दी से ऐसे ही हेयर बन लिया। ईशु ने क्या पहन लिया बेटा, क्या पहन लिया ईशु ने? और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर दीदी ही रहती है, तो हम लोग कभी जैसे ना घर में बोर हो जाते हैं या फिर वो भी कभी बुला लेती है, तो इसी कारण हम लोग थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए घूमने के पर्पज से उनके यहाँ पर चले जाते हैं, अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए ये है हमारे यहाँ का पावर प्लांट। मैं तो वैसे बहुत बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को व्लॉग में, पर मुझे यहाँ का व्यू दिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप म्यूजिक के साथ थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। तो बस हम लोग पहुंच गए, पास में ही रहते हैं, शायद 2 या 3 किलोमीटर होगा, कंफर्म नहीं पता है। और यहाँ पर शुभ मतलब कि जो मेरा भांजा है वो यहाँ पर खेल रहा था और दीदी उधर से बैठी थी, तो बस उनके ही आवाज़ दे रहे थे। और ये देखिए ये है चांद मामा, चंदा मामा, तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और यहाँ पर चल रही है बच्चे की मस्ती, ये अद्विक है और अक्षु है और ऐसे भी मतलब ये भी मेरे भांजा भांजी ही है, तो बस ये मतलब इन लोगों की मस्ती चलती रहती है। तो ये देखिए दोनों कैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे मार रहे, पता नहीं कैसे कैसे खेलते हैं और एक दूसरे का लाड़ भी करते हैं, पता है ये लोग। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज ये दूसरा दिन है और उस दिन मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया, दीदी के यहाँ पर गई थी, बस थोड़ा सा क्लिप वगैरह शूट किया था और फिर थक गई थी इसी कारण मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। तो चलिए हम लोग अभी बनाते हैं डिनर, तो अभी डिनर बनाना है, तो चलिए हम लोग चढ़ा देते हैं कुकर में, मीन्स कि ये जो मतलब डिब्बे हैं इसमें ही मैं बनाती हूँ, एक इसमें चावल एक इसमें दाल। तो चलिए हम लोग दाल बनाते हैं, तो दाल को मैंने वॉश कर लिया है और ये देसी दाल है, मीन्स कि घर की दाल है जो कि खेत में लगी हुई होती है ना सारी, वैसे तो सारी दाल खेत में ही लगती है बट ये घर की दाल है, तो मैंने इसे ना अच्छे से वॉश कर लिया है। उसमें डाल दिया लहसुन 5 से 6 कली और
मिर्ची मेरे अकॉर्डिंग और दो टमाटर डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसमें पालक डालूंगी। पालक को मैंने वॉश करके और कट करके रख दिया है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दाल पालक। तो आप लोगों को किस किस को दाल पालक अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसमें ऐड कर दिया मैंने पानी, और वैसे तो मुझे दाल पालक है ना बहुत कम अच्छी लगती है, मैं रेयर केस में ही खाती हूँ, मीन्स की दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा कम पसंद है इसी कारण। और उसमें चावल रख दिया, एक डिब्बे में पानी डाल दिया, नमक डाल दिया है, बस कुकर में भी पानी डाल के डिब्बे रख के फिर हम लोग चढ़ा देंगे गैस पर। और दाल और चावल तो पक गया है, और बस यहाँ पर हम लोग इसे तड़का लगा देंगे। और ये देखिए ऑयल, आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं पानी है, तो ये सनफ्लावर ऑयल है, इसी कारण इसका जो कलर है पानी जैसा लग रहा है। तो इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, राई डाल दिया है, और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो खड़ी मिर्च होती है रेड वाली, उसे ऐड करेंगे, क्योंकि रेड मिर्च पाउडर की जो दाल है ना उतनी अच्छी नहीं लगती, इसी कारण मैंने ना ये वाली जो मिर्ची है वो ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड कर दिया है प्याज, और बस इस जब ये पक जाएगा उसमें ऐड कर दिया है मैंने ये जो दाल बॉईल करके रखी थी ना दाल पालक, तो इसमें ऐड कर देंगे। नमक तो ऑलरेडी पहले ही डाल दिया है, बस इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पकने दूंगी। धीरे धीरे आवाज सुनने तो दो, धीरे धीरे बोलो। अंदर चल रहे शो नहीं चल रहा है उसको अंदर, चलो चलो बाहर जाओ, भागो भागो दोनों भागो, चलो जाओ भागो। क्या भागे हम लोग, क्या भागे, क्या भागे, जाओ बाहर जाओ। ये देखिए यीशु के पापा के जाने की तैयारी हो रही, कहाँ जा रहे, ये जा रहे सोने के लिए, मीन्स के बाहर आ गए ये सोने के लिए, यहाँ पर टीवी देखते देखते मतलब ऐसे ही लेटेंगे और टीवी भी देखेंगे। और हम दोनों माँ बेटी आ गई है अंदर, मीन्स की कपड़े रखना था, और यीशु थोड़ा मस्ती भी कर रही थी इसी कारण हम लोग है ना अंदर आ चुके हैं। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े रख दूंगी, और यीशु भी हेल्प कर रही है मेरे कपड़े रखने में, फेंकने में। और ये देखिए यीशु क्या कर रही है, पूरा ऐसा ही काम करती है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग सब, प्लीज मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरा डिनर हो गया, और आज पता है बहुत जल्दी डिनर हो गया, जल्दी डिनर हो जाने से पता है नाइट के जो भी काम होते हैं ना वो भी जल्दी हो जाते हैं। मेरा पता है झाड़ू लग गया नाइट में, जो मैं झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू रख गया, कपड़े रख दिए और बर्तन पानी में से निकाल के रख दिए। नहीं तो पता है अगर लेट डिनर करते हैं ना तो पूरा जो भी रात का काम होता है पेंडिंग रह जाता है। इशू नहीं करो बेटा, ये नहीं निकालो, पेंडिंग रह जाता है और फिर दूसरे दिन वही हेडेक रहता है। और ये देखिए ये डोर हम लोगों ने लगा लिया है, क्योंकि हम डोर मस्ती कर रहे थे, इशू के पापा को डिस्टर्ब हो रहा है, वो न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसी कारण ये डोर लगा के हम लोगों ने मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए इशू अभी भी मस्ती चालू है, और ये लोशन का ये निकाल रही है। तो चलिए आज हम लोग जल्दी से ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि जल्दी डिनर हो गया, जल्दी से ब्लॉग को एंड करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अच्छा लगे आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये देखिए मस्ती अभी भी चालू है, बाय बाय।